ठीक है, लेकिन ये किताब कॉपी और उनके किसी भी शुगल में तुम हिस्सेदार मत बनना। जी मंजूर है। अब यहाँ क्या है तुम्हारा? कैसे मुंह उठा करके चले आए तुम यहाँ? क्यों बोले मियाँ, यहाँ आने की पाबंदी है क्या? हाँ अब पाबंदी है। अब तुम्हारा रिश्ता ही क्या है पखीजा से और हमसे? लो कर लो बात, मेयर की रकम हड़प लाए, रसीद दी क्या तुमने बड़े मियाँ? हम तुम्हारे जैसे पदचौरे और बेईमान नहीं है जो की रकम को मुकर जाए। क्या एतबार मुकर जाओ, फिर मैं कहाँ जाऊँगा गवाह तलाशने? मेरे साथ इमाम साहब और मोहल्ले के चार शरीफ इंसान थे उस वक्त। अरे बड़े मियाँ उन शरीफों की मत पूछो, बॉडियों में बिकते हैं ऐसे शरीफ। जबान संभाल कर बात कर हारून, छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं। नाखों में शर्म ना हया, जाओ रुखसाना के अब्बू रसीद उठाओ और ला के मार दो इस ना शुक्र के मुँह पर। हाँ जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास, अभी लेके आता हूँ। लो कर लो बात, एहसान किस में दिखा रहे हो, जरा जल्दी लाना। और तेरा क्या चक्कर चल रहा है हरी मस्जिद के बगल वाली हवेली में? तुझसे क्या मतलब, तेरा क्या वास्ता पाकीजा से? पाकीजा कहीं भी आ जाए। क्यों, बताने में क्या शर्म आ रही है उसे? उधर ही बैठाने का इरादा है क्या? जबान संभाल कर बात कर हारून, वरना। वरना क्या, कुछ उखाड़ लोगी? मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें मुमानी? मत कर मुमानी मुझको अपनी नापाक जबान से। लो कर लो बात, तब फिर क्या कहूँ, तुम ही बता दो। ले कर ली बात, ये रही तेरी रिसीप, और अब इसका दफा हो जा तू अभी इसी वक्त। हाँ ठीक है जाता हूँ। ये मत सोचना कोई एहसान कर दिया तुमने मुझ पर, अलबत्ता एहसान तो मैंने किया है तुम पर, मैंने। और ये पाकी जाए ना, जो कमाई के नए नए रास्ते तलाश कर रही है, बैठ कर खाना उम्र भर। तमीज से बात कर हारून, वरना मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथों तू अपनी जान को बेटेगा। लो कर लो बात, रे मर गए हारून को मानने वाले, मानने चले हारून को। तू मत भूलियो, हरी मस्जिद के बगल वाली हवेली का रास्ता तो मैं पता कर ही लूंगा। अब तू चलता कि नहीं? चलता हूँ। किस कदर बेगैरत, कितना घटिया जलील किस्म का इंसान है ये? अब तुम अपना ज़बान ना खराब करो, वो गया सो चला गया। अरे ये एक ऐसी राक्षसी नस्ल का इंसान है जिसे आज तक राक्षस तक नहीं पहचान पाए, देखा उसके पेपर। इसीलिए कहता हूँ बेटा, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी तो उसने दिखा दिया देखो, हरी मस्जिद के पास वाली हवेली के स्कूल में। अब तू देख ले वो क्या क्या कुल खिलाता है, कमजोर लड़का। आप बेफिक्र रहिए मामू, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इंशाल्लाह तुम अपनी बात पर अमल करो। किसी भी काम की शुरुआत भले ही छोटे स्तर पर हो, लेकिन कोशिशें तभी सफल होती हैं जब उसमें किसी का जाती फायदा ना हो, साथ ही साथ कुछ कर गुजरने का हौसला हो, हिम्मत हो। बाजी हमारे साथ कौन आया है? ये सब वो है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। पाकीजा तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया, आइए आप लोग। नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। पाकीजा तुम भी बैठो, आप सभी का खैर मकदम है यहाँ। तुम सभी पढ़ना लिखना चाहती हो? अभी सोचा नहीं है वैसा। कोई बात नहीं, जब आज आ ही गई हो तो एक दिन तालीम के बारे में सोचने भी लगोगी। आपको इतना भरोसा क्यों है? मंजिल की तरफ एक कदम ही मंजिल पाने की ख्वाहिश बता देता है। देखो मैं यहाँ तुम्हें ऐसे ही नहीं लाई हूँ, रूमी बाजी जो कहती हैं उसे गौर से सुनो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर दिल गवाही दे तो खुद को यहाँ आने से रोकना मत। ठीक है जबर। पढ़ाई लिखाई सिर्फ पढ़ लिख लेना ही नहीं या हिसाब किताब लगा लेना ही नहीं है, शिक्षित होने से बौद्धिक विकास और मानसिक विकास दोनों होते हैं। यानी अक्ल और सोचने समझने की ताकत में इजाफा, और ये दोनों ही औरतों को बिरादरी में खास जगह दिलाते हैं। अल्पसंख्यक जाति वर्ग ने तो इसे संजीदगी से अपनाया ही नहीं। मैं मुसलमान हूँ मगर जानती हूँ मुस्लिम समाज में तालीम शिक्षा के जानिब हमारे वालिदैन ने ही वो ख्यालात नहीं रखे कि हम तालीम पा सकें। तब क्या हमारे वालिदैन कसूरवार हैं? सभी थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा कसूरवार है नई पीढ़ी,
तुम जैसी नौजवान नस्ल। अरे जब तुम जैसी लड़कियाँ अपना मुस्तकबिल तय कर सकती हैं और नहीं करती हैं, तो इसमें वालदेन को पूरी तरह कसूरवार क्यों माने? हाँ ये बात तो है, 100 बात की एक बात। बिना पढ़ाई के ना ही नई पीढ़ी का विकास होगा, ना ही समाज का और ना ही देश का। बात तो कुछ जच रही है, क्यों जाहिदा? धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगी। ऐसे ही नहीं लाई हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर। रूमी बाजी का वो क्या कहते हैं, कोई फायदा नहीं है और ना ही फालतू है घर से जो वक्त बर्बाद करने की सोची है। अरे ये तो हमारी जिंदगियां संवारना चाहती हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, अपने आप को खुद कभी कमजोर, बेबस, लाचार मत मानो। ऐसा कभी मत सोचो कि तुम औरत हो, और औरत का नसीब ऐसा ही होता है। न जाने कितनी ही सदियों से औरतें मर्दों से दबकर जीती आ रही हैं। अरे तुम औरत हो, और औरत में वो ताकत है जो कुछ कर गुजरने पर आए तो हवाओं का रुख बदल सकती है। समाज और बिरादरी क्या है, औरत चाहे तो पूरी दुनिया को अपने कदमों में ला सकती है। तुम लोगों ने रजिया सुल्तान का नाम सुना है, हुकूमत की थी उसने, और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की नाक में नकेल डाल दी थी, और इंदिरा गांधी उनका नाम तो तुम सभी जानती होंगी। उन्होंने पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया कि हमारा देश कितना ताकतवर है। तुम सभी में कितने ही रजिया सुल्तान, कितनी ही लक्ष्मीबाई, कितनी ही इंदिरा गांधी छिपी हैं। बस देर है तो खुद को पहचानने की, खुद को पहचान देने की, खुद की पहचान बनाने की। चलो अब सभी यहाँ से, बाजी को बहुत सारे काम करने हैं, जो दिल करे तो जरूर आना। तुमने तो कमाल ही कर दिया पाकिजा। क्यों, पाकिजा को इतना बेवकूफ समझा है क्या जो अपनी जिम्मेवारी भी ना समझे? नहीं वो बात नहीं है, तुमने हमारा हौसला 2 गुना कर दिया है। अब क्यों मेरी टांग खींच रही हो? क्यों, टांग खींचने से क्या तार जैसे लंबी हो जाओगी? लो और कितनी देर लगेगी अम्मी, घंटा हो गया, तुमसे एक बखिया भी नहीं पड़ी। अरे नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, क्या मैं मशीन हो जाऊं? मशीन बनने को कौन कहता है, मशीन खरीद तो सकती हो। हाय हाय बड़ा खजाना गड़ा है ना तेरे अब्बू का। खजाना ना सही, पाकीज़ा आपा की मेहर की रकम आई है, उसी में से ले लो। ए लड़की, ये अमानत ना खयानत का मशवरा मत दे। इसमें खयानत वाली बात क्या हो गई अब्बू, पाकीज़ा आपा के पैसे हैं, उन्हीं के रहेंगे, और जो मशीन खरीदे वो भी उन्हीं की रहेगी, इसमें कौन सा भला डाका पड़ गया। ये मशवरा अपने पास रख, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो अम्मी की सहूलियत के वास्ते ही कह रही थी। ये बाकी जगह है, दिखाई नहीं दे रही। अरे गई होंगी अपनी रूबी बाजी के पास। और इजाजत दे दो उसे उसके साथ घूमने की, देख लेना एक दिन उसकी सोहबत में क्या गुल खिलाएगी तुम्हारी पाकीज़ा। मैंने दी थी इजाजत। मैंने तो सोचा था संग संग जाएंगी, उठेंगी बैठेंगी, थोड़ा जी हल्का हो जाएगा। ऐ मगर ये थोड़ा ना सोचा था कि उसके कदम ही ना रुकेंगे आंगन में। घर में बैठी लौंडिया की फिक्र करो, इससे पहले कि पाकीज़ा का रंग उस पर चढ़े झटपट कोई लड़का देख निगाह पड़वा दो। बिरादरी के लोगों से कुछ जिक्र करता हूँ, कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। अभी 4 दिन हुए नहीं आपा की तलाक को, और आप उनके लिए लड़का तलाशने की सोचने लगे अब्बू। हेलो सुन लो, घर के बड़े बुजुर्ग क्या राय दे रहे हैं? ना समझ है। इसमें ना समझी की क्या बात है, ठीक ही तो कह रही हूँ। अरे लौंडिया, तार सी लंबी होती जा रही है मगर अक्कल ढेले बराबर भी नहीं है तेरे पास। तेरे वास्ते ही बात हो रही है। क्या मेरे वास्ते? मुझे नहीं करनी है अभी शादी। नहीं करनी? आ तो कब करेगी, जब बुढ़िया हो जाएगी तब? हाँ हाँ तभी सही, मगर अभी नहीं। देखो तो कैसे कतरनी से जबान चला रही है, कोई शर्म है इस लड़की में? देखूं क्या तुम्हारी परवरिश, अब किसे कसूरवार ठहराऊं? हाँ हाँ सारा कसूर मेरा है, सारी शय मेरी है। जो उस पाकीज़ा का साया ना होता तो चलती जबान तो देखते, कैची से काट देती। उससे क्यों नाहक कोस रही हो? हाँ हाँ अब तो सारा कसूर मेरा है, मेरे नसीब का है, वो क्यों कसूरवार होगी? अब बस भी करो,
खुदा जाने हर बात का रुख ही बदल देती। हाँ हाँ, अब तो सारे यार मुझ में ही नजर आएंगे। ब्याह कर लाए थे तो यही जमीला पलकों पर बैठती थी। हाय रे मेरा नसीब हाय। चलता हूँ बेगम, यही अच्छा है, बेहतर यही है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हो गए तो हमको दोबारा से दफन करना मुश्किल पड़ जाएगा। चलो अलमारी तो आ गई। हाँ बाजी, कल से ही सेंटर शुरू करते हैं, चाहे कितनी भी लड़के आए। वैसे कुछ पोस्टर वोस्टर भी लगवाने चाहिए। पंपलेट बांटते थे नमाज के बाद। लेकिन मस्जिद के बाहर खड़े होकर पर्चे बांटेगा कौन? वो तो है, पर पर्चा तो बना रहे। हाँ ठीक है। मरकज तालीम निस्वा, औरतों की तालीम और दस्तकारी की तरबियत का मरकज। बाजी ये जरूर लिखिए कि किसी भी उम्र की औरत का दाखिला हो सकता है। दाखिले के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। रूमी बाजी, मेरे पास पर्चे बांटने का जरिया है, हर घर में पर्चा पहुंचे अभी मेरी जिम्मेदारी है। लो बाजी, ये मसला भी हल हो गया। ठीक है, मैं सारे पर्चे तैयार करवा लेती हूँ। दीदी ब्लैक बोर्ड और कुछ कॉपी किताबें? हाँ हाँ भाई, वो भी आ जाएंगे, लेकिन तुम सबसे पहले अपने इस पहले कैंडिडेट को पकड़ कर रखना, पता लगा ये भी भाग गई। बाजी मैं भाग कर कहाँ जाऊंगी? पाकीज़ा मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तो फिर ठीक है, अब मैं भी एक बात कहूँ? बोलो। हम ना बाहर एक बोर्ड लगवाएंगे, पर उस पे लिखा क्या होगा? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मुंह काला तो मैं करूंगा उसका, बस कोई गोटी हाथ लग जाए मेरी। लेटा लेटा यूं ही बताशे फोड़ता रही हो, ये नहीं कि काम काज पर जाए। ससुराल ये नहीं है तेरे दुकान मालिक जो तेरे बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे। अम्मी तुझे अपने बेटे से कोई हमदर्दी ना है? अरे हमदर्दी को क्या तेरे साथ बैठ के टस हुए बहाऊं? अरे जाना था उस करमजली को, चली गई, पीछा छूटा हमारा। अब जा काम काज पर दिल लगा। कैसे दिल लगाऊं? जब तलक उस पाकीजा से बदला नहीं ले लूंगा तब तलक मुझे चैन कहां मिलेगा? पड़ा पड़ा खटिया ही तोड़ता रहे, और जब दुकान मालिक का तुझे निकाले जाने का फरमान आए तो भी मत उठियो, कसम है तुझे। लो कर लो बात, क्यों फरमान निकालने लगे? वो ना पूछ के रखे हैं ना निकाले हैं। तू मुझे कुछ सोचने दे अम्मी। पाकीजा, हरी मस्जिद का रास्ता, मामू का घर, हवेली। हवेली? ये हरी मस्जिद वाली हवेली से तेरा क्या वास्ता और कैसा रिश्ता उस करमजली पाकीजा का? हवेली तो अम्मी, हरी मस्जिद के बगल वाली हवेली के बारे में तुम कुछ जानती हो? हाँ जानती तो हूँ। लो कर लो बात, तो फिर बताओ ना क्या जानती हो उस हवेली के बारे में। वो हवेली तो उन हवेलियों में से एक है जिसके मालिक तेरे ताया हैं। हाजी सैफुल्ला बेग? तब नहीं तो क्या, लेकिन उस हवेली पर तो बरसों से ताला लगा हुआ है। लो कर लो बात, ताला लगा होगा अम्मी, अब तो वो किराए पर चढ़ी है। लेकिन तेरा इन सब बातों से क्या वास्ता? वास्ता है अम्मी, मैं चला। अरे कहाँ चला? अरे माजरा क्या है हारून? ताया के यहाँ, उन्हीं से पता करता हूँ कि वो हवेली किसे किराए पर चढ़ाई है और पाकीजा का वहाँ क्या काम है। पाकीजा? आलो आगे। लो बाजी भी आ गई, हजार साल उम्र है। जाओ बाहर, जरा कुछ सामान रखा है उसे उठा लाओ। लो रुबीना, सब काम निपट गया। चलिए अच्छा है। पैम्फलेट छप गए क्या? हाँ कुछ मैं अपने साथ ले आई, कुछ एक दो रोज में आ जाएंगे। चलिए बढ़िया है। रुबीना अब इसमें कोई शक नहीं, आने वाली सुबह
इस मोहल्ले में एक नया सूरज उगेगा। लो ये भी आ गया। लो देखो तो जरा। देखो कितना सुंदर बना है। क्या लिखा है इसमें? कोई बात नहीं पाकीज़ा, मुझे यकीन है एक दिन तुम इन दोनों के कान काट लोगी। बेशक, इसमें क्या शक है। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। चलो पाकीज़ा बहन, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी। देर हो गई ना बहुत। जरा देखो तो क्या लिखा है। कितना जोश है ना रूमी दीदी में। हाँ वो तो है, कम ही होता है ऐसा जज्बा। अगर चाहती तो अमेरिका जाके बस सकती थी। स्कॉलरशिप हर एक किसी को यूं ही नहीं मिल जाती है। नहीं जाना था तो नहीं गई, अपने ही देश में रह के औरतों की मदद कर रही हैं। और देखो रेखा, कितना सुकून है बाजे के चेहरे पर। छोटी छोटी सफलता पे कैसे बच्चों की तरह खिलखिला उठती है। ना दिन देखती है ना रात देखती है, कैसा जुनून है बाजे को। कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना क्योंकि बहुत सारा काम है। कोई तो सुन लो मेरी फरियाद। अरे मेरे बच्ची को देखो क्या हो गया है। या मेरे मौला, या मेरे परवरदिगार, किसी को तो भेज मेरी मदद को। मर जाएगी मेरी बच्ची। कोई तो सुन लो इस बेबस माँ की पुकार। अरे कोई तो होगा इस दहर में जो मेरी मदद करेगा। सुन ले मेरे मौला, मेरे परवरदिगार। अब दुआ करें या तौबा, मगर सवाल कौम का है। और मुझे इस बात का इल्म है कि जब सवाल कौम का या मजहब का आएगा तो आप पीछे नहीं रहेंगे ताया। तुम कहना क्या चाहते हो आरुण? लो कर लो बात। मैं कितनी देर से बकबक किए जा रहा हूँ और आप कहते हैं कि मैं चाहता क्या हूँ। भला मैं क्या चाहूँगा, करना तो आपको है ताया। साफ साफ कौमिया, यूं पहेलिया मत बुझाओ। आपको खबर है ताया, वो जो हवेली है हरी मस्जिद के बगल वाली, वो जिस किसी को भी आपने किराए पे दी है उसका इस्तेमाल कहीं गैर मजहबी कामों में तो नहीं हो रहा? अब इस बात का कैसे पता चले? ये तो आपको दरियाफ्त करना चाहिए था हवेली किराए पे देते वक्त। ये तो भूल हो गई मियां, अब क्या करें? लो कर लो बात। भूल होगी तो खत डालिए उस पर, अब दरियाफ्त कर लीजिए। ना आप कही गई है, ना हवेली और ना वो किराएदार। दुरुस्त फरमा रहे हो मियां, कल ही दरियाफ्त करता हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा ताया, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुश रहो। अल्लाह हाफिज। बस करो मियां, पैरों के गज कब तक नापोगे जमीन पर? पता नहीं कहां रह गई ये लड़की। अरे रह गई है तो आ जाएगी। जी हलकान करने से तो नहीं काम होगा। तुम भी अजीब औरत हो, अगर फिक्र करो तो मुश्किल और ना करो तो मुश्किल। तुम चुपचाप बैठो, आएगी कहां जाएगी? ना हो तो मैं देखाऊं। कोई जरूरत नहीं है बेचैनी दिखाने के वास्ते, तो तेरे अब्बू ही काफी हैं। तो चुपचाप बैठी रह। ये कोई लौटने का वक्त है? मामू, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि दिन ढल गया है? मामू, वो जुबैदा खाला के यहाँ देर हो गई, उनकी बेटी नसरीन। हाय हाय, क्या हुआ नसरीन को? अल्लाह अपने हर कुफर से बचाए सुबैदा के खानदान को। जरा चुप रहो, मुझे सुनने दो। हाँ बेटा। नसरीन को उल्टी दस्त हो रहे हैं कल से, आंखों के डेले पलट गए थे और नब्ज बैठ रही थी। वो तो अल्लाह मियाँ को प्यारी हो ही जाती अगर आज रूमी बाजी नहीं होती तो। आए उसने क्या अमल फूंक दिया? उल्टी और दस्त की वजह से रूमी बाजी कह रही थी
उसके बदन में पानी की कमी हो गई थी। अरे वो क्या डॉक्टर है? ठीक कह रही है वो, मैंने भी सुना है पानी की कमी हो जाए तो आदमी की जान भी जा सकती है। फिर क्या मामू, रूमी बाजी वो क्या कहते हैं ORS जी वो ले आई थी, वही बैठ के पिला रही थी। अरे बच गई नसरीन? हाँ मोमानी, अल्लाह का शुक्र है अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर है। पाकीज़ा आपा, मुझे आप पर नाज है। दफा हो जाए यहाँ से और खाने पीने का इंतजाम कर। हाय अल्लाह, क्या जिंदगी रह गई है हम औरतों की, है ना पाकीज़ा आपा? बहुत ज़बान चलाने लगी है लड़की। अरे देख लो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बोर्ड लगा दूं दीदी? नहीं, ये पढ़ाते वक्त लगाएंगे, तुम ये किताबें उठा लो। नमस्ते दीदी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम। आओ, खुशामदीद। दीदी ये जुबैदा है, ये भी कल से हमारे साथ आया करेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, देर किस बात की है, आओ बैठो। तुम सबको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम सब तालीम हासिल करने का जज्बा दिल में लेकर आई हो। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया बाजी। तब फिर देरी कैसी दीदी? देरी कैसी, अभी से शुरू करते हैं। ये सब हमारी तरफ से तुम सभी को, है ना बाजी? हाँ। रेखा जी, लो कॉपी और पेंसिल दिखा दो। ठीक है। उनको ये पाकीज़ा कहाँ रह गई? तुम तो आ जाना चाहिए था उसे, कितनी देर लगा दी उसने। सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आपने नाम लिया और पाकीज़ा हाजिर। कहाँ रह गई थी तुम? वो जरा नसरीन के घर गई थी। ओफो, मैं तो भूल ही गई थी। कैसी तबीयत है नसरीन की? अब बेहतर है। डॉक्टर लता आई थी उसे देखने? हाँ, डॉक्टर लता आई थी सुबह और शाहीन दवा खाने से दवा भी ले आई है। चलो ये अच्छा हुआ। लेकिन पाकीज़ा, तुमने महसूस किया कि पढ़ाई लिखाई आम जिंदगी में किस तरह काम आती है? हाँ बाजी, महसूस भी किया और समझ भी गई। कल रात के वाकये के बाद तो मेरी आंखें खुल गई। शुक्र है अल्लाह का, नसरीन की जान बच गई। हाँ बाजी, पर बाजी ये सब सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं पाकीज़ा, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। हाँ, अगर शाहीन और नसरीन के अलावा उनकी अम्मी इस बात को समझे कि औरत जात के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, तब बात है। समझेंगी बाजी, ज़रूर समझेंगी। एक ठोकर ही काफ़ी होती है इंसान को अक्ल देने के लिए। क्या मुझे अक्ल नहीं आई? अरे क्या बात है पाकीज़ा, ऐसा क्या हुआ नसरीन के साथ, क्या हम सभी को नहीं बताएंगी दीदी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सब तुम्हारे लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यही है तुम सबके लिए पहला सबक। तब फिर देरी किस बात की बाजी? ठीक है, बताती हूँ। इसी मोहल्ले में रहती है नसरीन अपनी अम्मा और बहन के साथ। 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया था उसकी तबीयत खराब हुई। उसकी जिस्मानी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, इतनी खराब कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी जान ही चली जाती। कल मैं और पाकीज़ा अपने घर जा रहे थे तो हमने रास्ते में नसरीन के माँ के रोने की आवाज़ सुनी, जिसने हमें वहां जाने पर मजबूर कर दिया। क्या उल्टी और दस्त इतने जानलेवा होते हैं? हमारे जिस्म में पानी का होना बेहद जरूरी है। लगातार उल्टी दस्त होने की वजह से हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जिस्म में पानी का होना। लेकिन यूं ही पानी पीने से कोई फायदा नहीं होता, वो 2-4 बार की उल्टी में ही निकल जाता है। तब क्या करना चाहिए? जो मैंने किया, पाकीज़ा को बाजार भेजकर मैंने ORS का पाउडर मंगाया, उसका घोल बनाया, चम्मच से उसे नसरीन को पिलाया, साथ में बर्फ के टुकड़े भी चूसने के लिए दिए। इस तरह से जिस्म में पहुंचने वाला पानी जिस्म में रुकने लगता है। वाह क्या इलाज बाजी, फिर क्या हुआ? अच्छे नतीजे सामने आए और नसरीन को राहत मिली।
बाकी की कमी को डॉक्टर लता की दवाइयां पूरी कर देंगी इंशाल्लाह। लेकिन सबसे अहम बात जानने की यह है कि डॉक्टर के घर आने तक या मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने तक उसे घरेलू उपचार दिया जाना बहुत जरूरी है, जिससे मरीज को राहत मिल सके। ये उल्टी और दस्त होने का क्या कारण है? कई वजह हो सकती है, लेकिन सबसे अहम वजह है सफाई का ध्यान न रखना। वो कैसे? खाने पीने की चीजों को ढाप कर रखना चाहिए ताकि उन पर मक्खी वगैरह ना बैठे। उससे क्या होगा बाजी? मक्खी तो गंदगी पर भी बैठती है, कूड़े करकट या मैले और मरे हुए जानवर पर भी। हाँ वैसा तो होता है। गंदगी पर जब मक्खी बैठती है तो बीमारी के कीटाणु जरासीम उनकी टांगों में चिपक जाते हैं, और जब वही मक्खी हमारे खाने पर आकर बैठती है तो उन कीटाणुओं को हमारे खाने में छोड़ देती है, जिसे खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं, और यही वजह होती है उल्टी और दस्त होने की। तब फिर बताओ पहला सबक क्या है? खाने पीने की चीजों को साफ जगह और ढांप कर रखना चाहिए। खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। बहुत अच्छे, ये सीख हमेशा ध्यान रखना कि सफाई का ख्याल रखकर हम खुद को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। पाकिजा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बात है, बोलो क्या बात है? बस ऐसे ही रुखसाना याद आ गई, वो भी यहां होती तो कितना कुछ सीखती ना। हाँ ये बात तो है। पता नहीं रुखसाना इस वक्त घर पर कर क्या रही होगी। दिल का कौन आ गया? तुम क्या नई मुसीबत लेकर आए हो?